subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. यहाँ अभी डॉक्टर मिल्कीज़ बताने वाली हैं कि कैंसर से आप अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे प्रिवेंट करें. उसके लिए मूंगफली में कुछ छुपा हुआ है और वो क्या है ये आप अभी जानेंगे. जी, मूंगफली के कुछ ऐसे अज्जा हैं जो आपके बॉडी में कैंसर सेल्स को रोकने में आपकी मदद करते हैं. ठीक है, और अब ये रिसर्चेस भी आ गई हैं कि ये मूंगफली मावन साबित हो सकता है कैंसर को रोकने में. लेकिन ये दवा के तौर पे नहीं, प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल करना है. जैसे जिनके ख़ानदान में होता है कि कैंसर, वैसे भी आजकल माशरे में अब सुनने को आ रहा है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो ये एक ऐसा सफ़ूफ है, इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह इस बीमारी से बचा जा सकता है. अगर ये बीमारी है, आप अपनी अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ में ये सफ़ूफ भी आप खा सकते हैं. इसमें मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको मना हो उस बीमारी में खाने से. और बहुत आसान है, आपने करना क्या है, आपने लेना है 100 ग्राम मूंगफली. अच्छा, आपने उसका छिलका भी उतारना है, उसके बीज भी उतारने. मैं आपको बता दूं किस तरह लेने, ऐसे लेने. ठीक है, ना बीज आना चाहिए ना ही छिलका आना चाहिए, इस तरह का. फिर हमने क्या किया, उसको पीस लिया. और 100 ग्राम ही आपने लेना है बादाम जो है, वो 100 ग्राम आपने लेना है. वो छिलकों के बगैर नहीं, वो छिलकों के साथ. अच्छा, यानी कि जैसे पीसेंगे तो छिलके आ जाए, कोई मसला नहीं, आ जाए. ठीक है, 100 ग्राम बादाम एंड 100 ग्राम मूंगफली. मूंगफली, क्योंकि इसके छिलके आपको खांसी, अगर आप इसके छिलके खाते हो तो आपको खांसी होती है, तो इसलिए आपने नहीं खाना. अच्छा, और इसमें जो तीसरी चीज है वो है हल्दी. हल्दी इसमें, ये कौन सी वाली है, आंबा हल्दी इस्तेमाल होगी. वो जो घर में हम सालन में डालते हैं वो वाली हल्दी इस्तेमाल नहीं करना, इसको दूसरा चोट हल्दी भी कहते हैं, आपने वो इस्तेमाल करना है. 100 ग्राम मतलब मूंगफली का हो गया, और 100 ग्राम ही आपने बादाम ले लिए. 50 ग्राम आपने लेना है हल्दी, यानी कि ये दोनों 100-100 ग्राम आपने लिए. इसमें आप 50 ग्राम आंबा हल्दी डालेंगे. ठीक है, ठीक है. और अगर चाहें आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें 100 ग्राम मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा मज़े का हो. अब ये आपने लेना है सुबह शाम एक चम्मच, किससे, दूध के साथ, नीम गरम दूध के साथ आप लीजिए. अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो फिर आप सोया मिल्क के साथ ले सकते हैं, मतलब पानी के साथ नहीं ले सकते. अगर दूध के साथ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है. हाँ, और अगर आप एनिमल वाला नहीं लेना चाहते तो आप कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं, आप सोया मिल्क भी ले सकते हैं, आप बादाम का जो दूध होता है वो भी आप ले सकते हैं. अगर नहीं लेना चाहेंगे टेबलस्पून, ये टीस्पून अच्छा. से आपने शुरू करना है. ठीक है, टीस्पून से शुरू करना है सुबह शाम. एक चम्मच सुबह दूध के साथ, एक चम्मच रात या शाम, रात को दूध के साथ. नहीं, अगर मतलब दूध हजम नहीं होता तो हाँ. कोई वो नहीं है, फिर आप पानी के साथ लें, लेकिन खाएं जरूर, ये दवा है. अच्छा, ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह. कभी होता है ना, किसी को वहम भी होता है और ऐसा हुआ होता है कि अच्छा एक बहन को हो गया है तो वो वाले घर फैमिली को के? बहुत बहुत मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं कि आप बताएं ऐसा है तो नहीं, हालांकि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन अगर घर में किसी को हो जाए, वहम होता है, डर होता है, खौफ. वहम का इलाज तो हकीम रहमान के पास नहीं है. हो गया है कैंसर कि आपको एक घर में से तो एक पेशेंट मिलेगा, ये इतना आम हो गई बीमारी. जी, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो सारे एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी जिस्म से जो जहरीले मादे हैं उनको निकालने में मदद करती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्लाह करे कि इसके इस्तेमाल से आपको फायदा हो. Inshallah. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.